हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बंडे की, जो बंडा आता है, कांदू भैया जिसको बोलते हैं, दोस्तों आपके यहाँ इसको क्या और बोला जाता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसकी हम कचौड़ी बनाएंगे। आइए तो इसको देखिए, ये छोटे छोटे ले लिए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं साइज़ में, कुछ छोटे हैं, दो छोटे हैं, तीन बड़े हैं, करीब आधा केजी है ये। इधर हमने कुकर ले लिया है, अच्छे से धुल लिया है इनको, मिट्टी बहुत होती है, धुल लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद कुकर में हमने इसको डाल दिया, जो बड़े साइज़ के हैं उनको बीच से कट कर लेना है ताकि बॉयल जल्दी हो जाए। इनको समय लगता है, 3 से 4 सीटी लग जाती है बॉयल करने में दोस्तों, और साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कितने बड़े साइज़ के हैं, बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं। प्लीज़ दोस्तों आप लोग ये बताइएगा, आप लोगों के इसको क्या बोला जाता है? हमारे यहाँ पे उसको बंडा बोला जाता है। इसको बॉयल करके हम लोग कचौड़ी बनाएंगे। तो पानी लगा दिया दोस्तों इसमें, पानी अपना हिसाब से लगाइएगा जितने में बॉयल हो जाए। नमक डाल दिया थोड़ा सा, थोड़ी डाल देंगे हल्दी इसमें दोस्तों। हल्दी नमक इसलिए डाला है कि इसके ऊपर जब बॉयल होगा तो उस पर नमक जब चढ़ जाता है तो नमक हल्का डालना पड़ता है, ज़्यादा नमक यूज़ नहीं होगा, फिर आप ना डालना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बाद में डाल सकते हैं। जो मसालों में इसको, मसाले के साथ इसको भूनेंगे तब। बने रहिएगा मेरी वीडियो में, वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा दोस्तों। इधर कुकर का ढक्कन लगा दिया हमने, इधर 3 से 4 सीटी आ गई थी, बॉयल करके हमने उतार लिया है इसको। ये गर्म है दोस्तों, अभी कट कर दिया बीच से मैंने छोटे छोटे पीसेस में, इसको ठंडा जल्दी हो जाए। इधर छिलका भी उतार दिया है मैंने, उतार के इसको हम कर लेंगे ग्रेटर से ग्रेट। इसको महीन वाला ग्रेटर है, बहुत छोटे छोटे जिसमें ग्रेट हो रहे हैं, देखिए आप, अच्छे से कर लेंगे सारे को। आप पोटैटो मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं, मैंने ग्रेटर से इसलिए किया था कि कोई भी गांठ वगैरह ना रह जाए इसमें। बस इसको सारा मैश कर लिया है। इधर मैंने अच्छे से हरी मिर्च काटी है, थोड़ी धनिया है, थोड़ा लहसुन है दोस्तों। इधर प्याज मैंने छोटे छोटे कट कर लिया है, ये मैंने जो कद्दूकस किया था बंडा वो रखा है ये। इधर कढ़ाई ले लिए, थोड़ा सा लगाएंगे तेल, तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है दोस्तों इसमें, इसको अच्छे से भूनना है हमें, तो आप 2 चमचे भर के तेल लगा दीजिएगा, जो भी आपकी सर्विंग स्पून होती है। तेल थोड़ा अच्छे से लेना, सरसों के तेल में ही कीजिएगा दोस्तों। इसमें हमने डाला है हींग और जीरा, हींग थोड़ा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि थोड़ा भारी होता है खाने में, थोड़ा गरिष्ठ होता है, मतलब हींग की आवश्यकता बाद में पड़ती है, थोड़ा सा ये जो हैवी सब्जियां होती हैं उनमें डाला जाती है। अब आपके ऊपर है, आप स्किप भी कर सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। इधर मैंने हरी मिर्च प्याज भून लिया है, प्याज ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा ट्रांसलूसन हो जाए, बस हल्दी डाल देंगे यहीं पर, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर, नमक, जो भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना पसंद करते हैं, सूखे मसाले वो सारे इसमें डाल दीजिएगा। आपके बच्चे मिर्चा कम खाते हैं तो लाल मिर्चा स्किप कर दीजिएगा, हरी मिर्चा काट के डालते हैं, अगर वो खाना पसंद करें तो उस हिसाब से अपनी मिर्चा बड़ा घटा लीजिएगा, मैंने अपने हिसाब से डाली थी। इधर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे कि मसाले हमारे जले नहीं, अच्छे से भुन जाएंगे मसाले। देखिए कलर कितना अच्छा है दोस्तों, सरसों के तेल में ही बनाइएगा, स्वाद उसका उसी में उभर के आता है। इधर मैंने मसाला जो कचौड़ी का हमारे पास रखा था, जो मैंने बना के रखा है, सारे मिक्स ड्राई वाले सूखे मसाले मिला के पीसे हैं मैंने वो मसाला, आप लोग बताइएगा तो कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको इसका अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग भी देख लीजिएगा कचौड़ी का मसाला किस तरह से बनाते हैं दोस्तों। ये देखिए अच्छे से हमने बंडा भी डाल दिया है इसमें, कद्दूकस किया हुआ, इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। भून लिया है मैंने, अब थोड़ा ढक देंगे इसको दोस्तों। ताकि इसके मसाले अच्छे से भुन जाए, अच्छे से मिल जाए इसमें।
दो सेकंड के लिए बस भूनना है, खोलेंगे इसको, फिर पलट पलट करेंगे। और दोस्तों मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो, मेरे बनाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करिए मेरे चैनल पे। अगर आप नए हैं, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे से। दोस्तों प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लाती रहूँगी। ये देखिए भुन गया है अच्छे से दोस्तों, आप देखिए अच्छा कितना मसाला अच्छे से इसमें रम गया है। इतने अच्छे से भूनना है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। पानी तो हमने इसलिए डाला था थोड़ा सा कि मसाले हमारे अच्छे से भुन जले नहीं, भुन जाए अच्छे से। धनिया से गार्निश कर दिया, इधर आटा लगा दिया है। आटा सिंपल जैसे रोटी के लिए लगाते हैं सॉफ्ट आटा, बस वैसे ही लगाना है, टाइट डो नहीं लगाना है, सेमी सॉफ्ट होना चाहिए। इधर देखिए मैंने ये ठंडा कर लिया था और एक बाउल में निकाल लिया है, ट्रांसफर कर लिया है कढ़ाई से। इधर कढ़ाई रख ली है मैंने, सेम कढ़ाई साफ करके रख ली है वॉश करके। छोटी कढ़ाई है, इसको यूज़ करने में आराम होता है दोस्तों, इसलिए हम ज़्यादातर यही चढ़ा लेते हैं। देखिए इसमें तेल डाल दिया है, कचौड़ी पराठा भी आप बना सकते हैं, इसका कोई ऐसी वो नहीं है कि आप कचौड़ी ही बनाइए, इससे पराठा भी फिल कर सकते हैं। छोटी सी लोई ले ली है मैंने, इसको थोड़ा हाथों से फैला लेंगे, थोड़ी सी फिलिंग भरेंगे जितना आप इसको फिल कर पाए अच्छे से। इसको कवर कर देंगे चारों तरफ से अंगूठे की सहायता से अंदर दबाते हुए। ये देखिए किस तरह से, आप अगर मसाले अच्छे से भून लेंगे मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें आटे से बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगी। कचौड़ियाँ बहुत टेस्टी बनती हैं दोस्तों, बहुत सेम बनती हैं। इसके साथ लहसुन और लाल मिर्च की चटनी जो होती है, जो दोस्तों पुराने दादी और नानी लोग बनाती थी, वो चटनी इतनी अच्छी लगती है सिल की पिसी हुई, बहुत अच्छी सिलबट्टे पर जो पीसी जाती है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग कचौड़ी के साथ वही चटनी पीसीगा, बहुत यम लगती है। बच्चों ने तो बहुत इंजॉय किया था दिन में। सो देखिए दोस्तों हल्का सा बेलन लगाना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं दबाना, हल्के हाथ से बिल्कुल लाइट। देखिए आप हाथ से भी कर सकते हैं, बेलन ना लगाइए, हाथ से भी थोड़ा इसको फैला सकते हैं, दबा सकते हैं। आप अगर खस्ता कचौड़ी इसको दोस्तों बनाना चाहते हैं तो आटे में थोड़ा मोयन डाल लीजिए, घी डाल लीजिए, नमक हल्का सा डाल लीजिए, मैदे की चाहे तो मैदे की भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है वो भी दोस्तों। मैंने गेहूं के आटे की बनाई थी। ये देखिए दोस्तों अच्छे से कचौड़ी हमारी सिक गई है, अभी आपको एक डाल के दिखाई है। देखिए इस तरह से धीमे धीमे आँच में सेकना है, बहुत तेज फ्लेम नहीं करना है गैस की, गैस की फ्लेम लो ही रखना है ताकि ये धीरे धीरे अच्छे से सिक जाए। ये देखिए अगर आप परोथन लगा के, सूखा जो परोथन आटा होता है वो लगा के ना बेलें, आप थोड़ा तेल लगा के भी इसको भर सकते हैं। देखिए भर के मैंने बेल ली है, इधर मैंने कचौड़ियाँ सारी निकाल ली हैं। ये देखिए दोस्तों इसकी फिलिंग, फिलिंग देखिए अंदर कितनी अच्छी लग रही है देखने में, खाने में भी उससे ज़्यादा टेस्टी थी, जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी उससे ज़्यादा क्या खाने में दोस्तों अच्छी थी। बच्चों ने बहुत तारीफ की, बहुत मन से खाई है। ये लहसुन की चटनी है, लहसुन लाल मिर्च की, खूब सारा लहसुन और थोड़ी सी गार्लिक मैंने कलर वाली भी डाली।